हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करेंगे केमिकल सेक्टर की एक फंडामेंटली साउंड कंपनी जो कि कुछ इसका दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा आया है और उसका रेट सिर्फ 32 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, ये रेजिन्स बनाती है। रेजिन्स मतलब देखिए, रेजिन्स जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनसे निकाला जाता है और वो यूज़ होता है रेजिन्स बनाकर। केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज़ होता है प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए। उसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, और पेंट्स पेंट इंडस्ट्री में भी रेजिन्स को यूज़ किया जाता है। तो ये कंपनी बेसिकली रेजिन्स बनाती है। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 32 रुपीज़ 40 पैसा एंड 52 भी खाया था 48 रुपीज़। इसका पी है 6 का, तो पी काफ़ी रिजनेबल रेट पे अभी भी ये कंपनी मिल रही है। ईपीएस इज 5, 5 का ईपीएस है और रेट है सिर्फ 32 रुपीज़। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.70। डेट भी कंपनी के ऊपर कंफर्टेबल लेवल पर है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 25% जो कि बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 28% जो कि वो भी काफ़ी अच्छा है। इंट्रेंसिक वैल्यू इज 45 रुपीज़, हमें मिल रहा है सिर्फ 32 रुपीज़ में। ग्राहम नंबर है 46 रुपीज़, हमें मिल रहा है सिर्फ 32 रुपीज़ में। प्रोमोटर होल्डिंग इज 21%। FII का कोई होल्डिंग नहीं है बट DII का होल्डिंग है 0.05%। अब बात करेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट की। तो जून 2021 में इसका प्रॉफिट था 35 लाख, सितंबर 2021 में प्रॉफिट था 3 लाख एंड दिसंबर 2021 में प्रॉफिट आया है 61 लाख। तो ईयर ऑन ईयर, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 35 लाख, 3 लाख एंड 61 लाख। तो कंपनी का नाम है श्रीकेम रेजिस, SREECHEM, श्रीकेम रेजिस लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी को आप थोड़ा बहुत हर गिरावट में बाय करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मार्केट चलेगा तो यही शेयर हमें 45 से लेके तो 60 रुपीज़ का रेट दिखा सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट। बट फंडामेंटली साउंड है। इसमें फ्राइडे को अपर सर्किट लगा था, तो फिर से अगर गिरता है थोड़ा बहुत तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फंडामेंटली साउंड कंपनी है और रिजल्ट भी बहुत शानदार आया दिसंबर का, तो वह हिसाब से आप उसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं टू बाय ऑन एवरी डे आफ्टर योर स्टडी। थैंक यू फ्रेंड्स।